साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को सिटीवन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित परिवार में खिचड़ी सहभोज कर विपक्षियों पर साधा निशाना। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, का वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह है मुस्तैद। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में लगा भव्य मेला, श्रद्धालुओं को कर रहा है अपनी तरफ आकर्षित। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसएसबी के जवानों ने थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने आईटी सेल कार्यालय का किया शुभारंभ। और सिख समाज के लोगों ने जटाशंकर गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाई लोहड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को मानबेला में दलित परिवार अमृतलाल भारती के घर खिचड़ी सहभोज में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद व वंशवाद की राजनीति करने वाले सामाजिकता की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, दलित परिवार के मुखिया किशोरी लाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सुनो ए धर्मेंद्र जी, पहले सुनो तो नहीं, फोटो के लिए बुलवाएंगे, तो चिल्लाना शुरू कर दो। ए अभी ना, इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, आज मकर संक्रांति है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, यह सामाजिक समता का प्रतीक सहभोज किसी दलित बस्ती में जाकर के करना, किसी अनुसूचित जाति में जाकर के करना और फिर उन लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ये कार्यक्रम पहले बड़े पैमाने पर होना था, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और 5 से अधिक लोग कार्यक्रम में भागीदार न बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को या जनमानस को इसके साथ सहभागी नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, उसका ही एक हिस्सा है, जिसमें बिना भेदभाव के छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने का जो संकल्प बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने और पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की सरकार ने
बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के एक एक आवास बने हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनपद में तेजी के साथ पांव पसार रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जनपद में 17 से अधिक ऑक्सीजन प्लांटों को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। लगभग 3,000 से अधिक बेड व ICU बेड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं एम्स में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। नहीं, अभी जैसे प्रत्येक दिन हमारे करीब 9,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और उसमें जो पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे कल हमारे यहाँ अभी एक्टिव केसेस 1600 हैं और 300 से 400 एक्टिव केसेस हैं, तो पॉजिटिविटी दर अभी कम है। ये हम उम्मीद करते हैं ये ट्रेंड रहेगा। और हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत कम रही हैं, तो किसी को कोई इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी तैयारी है, हमारे सभी हमारे 17 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं और हमारे यहाँ 3,000 से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। आज की तारीख में ICU बेड्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सारे हमारे अस्पतालों में सभी अधिकारियों द्वारा, स्वास्थ्य टीम द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, तभी तैयारी है। BRD मेडिकल कॉलेज हमारे पूर्व से ही निर्मित है। एम्स की नई फैसिलिटी हमारे पास अभी उपलब्ध है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 400 से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हैं जिनको हम कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं भी हैं। वहाँ हमारा एयरफोर्स हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल है, हमारे CHCs को अपग्रेड किया गया है, जिसमें पीकू वार्ड्स भी उपलब्ध हैं। सारी तैयारियाँ की गई हैं और वहाँ पे लगातार निगरानी की जा रही है। स्टाफ हमारे उपलब्ध है, सब ट्रेंड हैं कोविड रेडीनेस के लिए। हमारी पूरी तैयारी है साथ ही साथ, लेकिन सबसे बड़ा कवच हमारा वैक्सीनेशन है। मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि सभी सम्मानित नागरिकगण जिनका अभी प्रथम डोज या द्वितीय डोज नहीं हुआ है, ड्यू है, कृपया करके उसको तत्काल लगवा लें। और अगर 60 साल से ऊपर और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे चुनाव में और अन्य कार्यों और कोविड के प्रबंधन में लगे हुए हैं, उनको तुरंत बूस्टर डोज लगाना है। और जिनका दूसरा डोज भी हो गया, वो ज़रूर, अगर बूस्टर डोज के लिए ड्यू हैं, प्रिकॉशनरी डोज के लिए ड्यू हैं, वो ज़रूर लगवा दें। और 15 से 17 साल के बीच के जितने भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं, वो भी हमारे कैंप्स में आके हमारे स्वास्थ्य इकाइयों में संपर्क करके ज़रूर टीका लगवा लें। पूर्वांचल के सबसे बड़े मेले के आयोजन की तैयारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बता दें कि महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले खिचड़ी मेले में गैर जनपद, पड़ोसी राज्य व नेपाल से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में उनके मनोरंजन व सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में बड़े झूले, खजला, मौत का कुआं व विभिन्न प्रकार की दुकानें श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई हैं। वहीं मेले में दूर दराज से आए व्यापारी व विभिन्न कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। शिव शंकर की जय।
जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर घरों से निकलने से पूर्व मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान देते हुए कोविड 19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करें। इसमें आप जानते हैं कि हम सभी ये लगातार अपील कर रहे हैं, मास्क बहुत ज़रूरी है और ये कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः आग्रह करूँगा सभी सम्मानित नागरिकों से कि कोविड प्रोटोकॉल का और विशेषकर मास्क का प्रयोग 100% करने का कष्ट करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। कोतवाली थाना क्षेत्र में कोतवाल कल्याण सिंह सागर के नेतृत्व में एसएसपी के जवानों ने थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर भ्रमण कर आमजन में सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं आमजन से अपील भी की कि आगामी चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करे। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतरकर लोगों के बीच पहुंचने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में बेतहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आईटीसीएल कार्यालय का शुभारंभ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अवधेश यादव द्वारा किया गया। इस आईटीसीएल के माध्यम से जनपद के समस्त विधानसभाओं में वर्चुअल रैली सहित अन्य गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इस मौके पर नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष पीके त्रिपाठी, पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नए नियुक्त जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर ने आईटी सेल का उद्घाटन अपने किया है, जहां से हम लोग पूरे वर्चुअल रैली से लेकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ने का काम करेंगे। इसके द्वारा हम व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक को मैसेजेस और अन्य मोबाइल पर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होंगे
उनके पास भी समाजवादी पार्टी का मैसेज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मैसेज को पहुंचाने का काम करेंगे। और यहीं से बैठकर हम जूम के द्वारा हम 1000 लोगों को एक साथ जोड़ करके संबोधित भी कर सकेंगे। कितने विधानसभा क्षेत्रों में ये यहाँ से ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है? ये ऑनलाइन सभी विधानसभाओं में जुड़ जाएगा, नगर और जिला मिला करके, क्योंकि हमने इसको जूम ऐप से जोड़ा है। और जूम ऐप जहाँ भी इंटरनेट काम करेगा, और जो हमारे साथी जब जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उस जूम ऐप के द्वारा हम सीधे उनसे संपर्क में आ जाएंगे। पंजाबी समाज के लोगों ने गुरुवार की देर रात गुरुद्वारों और घरों में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। सुबह गुरुचरणों में शीश झुकाकर मंगल कामना की गई तो शाम को गिद्धा व भांगड़ा कर पर्व का जश्न मनाया गया। पर्व का शुभारंभ शहर के प्रमुख गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में पाठ से हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सुखासन के बाद लोहड़ी जलाकर सबके सुख एवं समृद्धि की अरदास की गई। मक्का, मूंगफली, गढ़ी, छुहाड़ा, रेवड़ी, गुड़ का प्रसाद वितरित कर सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने बताया, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम है लोहड़ी में एंड पंजाबन नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हमारे रिलीजन का लोहड़ी बहुत अच्छा फेस्टिवल है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है लोहड़ी। हम लोग को पता लगता है जनवरी का महीना आ गया है, लोहड़ी का त्यौहार भी आएगा, इसी महीने में लोहड़ी का त्यौहार आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी से इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि लोहड़ी आएगी। और हम लोग ये ठंड एक तो है कि लोहड़ी से एक होता है नए फसल की तैयारी होती है, उसकी खुशी में जो हमारे किसान लोग हैं इस लोहड़ी के लिए उसमें बहुत खुश होते हैं, उसी अग्नि में नए फसल को दे के उसका हम लोग खुशहाल आगे का जीवन के लिए कामना करते हैं, अग्नि देवता से लोहड़ी मनाते हैं, बहुत खुशी होती है। लोहड़ी तो ऐसा त्यौहार है कि खुशी खुशी बांटने की त्यौहार है, हम लोग चाहते हैं हर कोई मिलके इस लोहड़ी का त्यौहार मनाए और सब खुश रहे। और ये अग्नि ऐसी जली है जिससे ये कोरोना का जो चल रहा है महामारी इस अग्नि में वो भी समाप्त हो जाए, ये कामना करते हैं। हैप्पी लोहड़ी। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित परिवार में खिचड़ी सहभोज कर विपक्षियों पर साधा निशाना। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह है मुस्तैद। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में लगा भव्य मेला, श्रद्धालुओं को कर रहा है अपनी तरफ आकर्षित। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसएसबी के जवानों ने थाना क्षेत्र में किया पैदल गश्त। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने आईटी सेल कार्यालय का किया शुभारंभ। और सिख समाज के लोगों ने जटाशंकर गुरुद्वारे में धूमधाम के साथ मनाई लोहड़ी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।